हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 11th के लिए जो वेक्टर चैप्टर है ना, उसके नेक्स्ट वीडियो को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग थ्री डायमेंशन, है ना। यूनिट वेक्टर को थ्री डायमेंशन के अलोंग कैसे तोड़ते हैं वो बात करेंगे। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वेक्टर जो अपना थ्री डायमेंशन की बात करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। हम एक्स एक्सिस में आई कैप को दिखाएंगे, वाई एक्सिस में जे कैप को दिखाएंगे और जेड एक्सिस में के कैप को दिखाएंगे। ठीक है, और एक्स का जो नेगेटिव होगा वो माइनस आई कैप, वाई का जो नेगेटिव होगा वो माइनस जे कैप और के का जेड का जो नेगेटिव होगा वो माइनस के कैप दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस और जेड कैप के कैप जेड एक्सिस। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि बताइए फोर्स वेक्टर 10 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी फोर्स 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में, आई कैप। फोर्स वेक्टर 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन आई कैप नेगेटिव में है तो माइनस आई कैप ये आ जाएगा। फोर्स वेक्टर 20 न्यूटन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस का नेगेटिव अगर पॉजिटिव में के होता है तो जेड के नेगेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, यहाँ से आ गया। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे। व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट विच आर एट राइट एंगल टू इच अदर देन द कंपोनेंट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मान लो एक वेक्टर है और इधर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ती है तो ये जो कहलाएगा कंपोनेंट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए एक फिगर से देखते हैं क्या क्या होता है कैसे। हमारे पास एक वेक्टर है ना, ये इसका ओरिजिन है, एक वेक्टर ये है। अब इस वेक्टर का हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक ए वन और एक ए टू। ये ए टू इसके पैरेलल है तो हम इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, जो यहाँ से ओ ए है ना, इसको अगर हम ए बोला जाए तो क्या हो गया, ये हो गया ओ बी और ये हो गया ओ सी, है ना, ओ सी के पैरेलल ये है, चलेगा। तो वेक्टर ए जो है वो दो मिलके बना हुआ है, एक ए वन से और दूसरा ए टू से। अब ए वन और ए टू क्या है, देखिए अगर ये फिगर बनाया जाए, ये ए वन है, ए टू है, ए है, अगर इसमें साइन थीटा लगाएंगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, पी वाई एच, यानी पी वाई एच, ए टू बाई ए वन ए। तो ए टू की बात करें तो ए साइन थीटा, किस डायरेक्शन में ए टू जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब जे कैप। और अगर कॉस थीटा लगाओगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो ए वन की बात करें तो ए साइन थीटा, और हमारा ए वन किधर है, आई कैप के डायरेक्शन में। तो ए टू और ए वन, हमने यहाँ से ए टू और ए वन को कैलकुलेट कर दिया। तो ए टू को जगह पे, अगर ए वन की जगह पे बात करें तो ए कॉस थीटा आई कैप, और ए टू की बात करें तो ए साइन थीटा जे कैप। अब ये क्या है, ए कॉस थीटा क्या है, जो ए का कंपोनेंट है वो एक्स के लॉन्ग है, और ये क्या है, ए का कंपोनेंट है किसके लॉन्ग, वाई के लॉन्ग में। तो इसको ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप भी लिखा जा सकता है। ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग एक्स, और ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग वाई। तो मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, आपको पहले सिखाए थे, अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ होगा 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और tan थीटा की बात करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट y के अलोंग है और बेस x के अलोंग, तो ay बाई x, और थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स ay बाई x। नोट में आइए, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर, अगर इस वेक्टर को यहाँ पे घुमाओगे ऐसे तो ये कॉस 90 बनाएगा, और कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ऑलवेज जीरो देगा। अब आइए 3D में बात करते हैं, तीन एक्स वाई जेड में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन क्या है, यहाँ पे कंसिडर ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए, और कंसिडर ओ एज ओरिजिन एंड ड्रॉ रेक्टेंगुलर पैरेलो पाइप विद द हेल्प विथ इट्स थ्री एज अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर है ओ ए, और इसके पैरेलो पाइप की अलोंग दिखाए हैं, और ये हमारा तीन है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक है,
वेक्टर ए इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोपाइप हुज प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई जेड आर एक्स वाई ए वाई और जेड जेड रेस्पेक्टिवली दीज आर द थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए। हमने क्या बोला कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए का तीन डायरेक्शन में दिखाए, एक ए एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। अच्छा, अगर ये वेक्टर ए की बात करें, एक्चुअल में ये डायगोनली है ना, यहाँ तक है, तो हम पीछे वाला साइड तो दिखेगा नहीं, तो हम फ्रंट को देख रहे हैं। देखो ये कॉर्नर है इसका और ये कॉर्नर दिख रहा है ना। अगर हम थ्री डी फिगर है एक्चुअल में, ये तो बाहर का फेस होगा, तो ये मिल रहा है अपने को, डायगोनल मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो से मिलकर बना हुआ है, ए वन और ए टू। देखिए यहाँ से बात करते, एक ट्रेंगल जैसा बन रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो किससे मिलके बना, ए वन और ए टू से। अब ये एक्स कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये बात करें तो ये एक्स ए जेड और ये एक्स, ठीक है, और ये हमारा इसका बन रहा है। अगर ये रेक्टेंगुलर, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक्स है ये जेड है, तो ये हमारा रिजल्ट देगा। तो ए वन जो है किस किस से मिलके बना हुआ है, ए एक्स से मिलके बना हुआ है और ए जेड से मिलके बना हुआ है। ए वन जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, ए एक्स से और ए जेड से। अब ए टू की बात करते हैं, अब ए टू जो है किसके पैरेलल हो गया, ए वाई का पैरेलल है, तो हम ए टू को क्या लिख दिए, ए वाई लिख दिए। अब हमने बोला कि ए जो है वो ए वन प्लस ए टू, तो ए वन के जगह क्या रख देंगे, ए एक्स प्लस ए जेड, और ए टू के जगह क्या रख देंगे, ए वाई। अब अगर तीनों को मिला दे तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, यानी वेक्टर ए क्या है, यही तो है, इसका तीन कंपोनेंट बनेगा। थ्री डी में है तो एक एक्स में बनेगा, एक वाई में बनेगा, एक जेड में बनेगा। टू में रहता है तो एक केवल एक्स और वाई में बनता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो दो के लिए क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर तीन है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शनल कोसाइन की बात करते हैं। डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है, मान लो वही वेक्टर की बात करें, ये हमारा थ्री डी फिगर था, ये एक्स वाई और जेड में, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हमारा पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ वेक्टर ए जो है वो गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। अगर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ए मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस और गामा विथ जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया एक्स बाई ए, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा। उसी तरह से अगर कॉस बीटा की बात करें तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ए वाई बाई ए, तो ए वाई क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा। और कॉस गामा की बात करें तो हमारे पास ये बन जाएगा ए जेड बाई ए, तो ए जेड क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। ठीक है, तो हेयर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वेक्टर है। अब अगर हम बात करें इस चीज़ को, अगर स्क्वायर फॉर्म में है, अगर स्क्वायर इधर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यानी एक्चुअल में है क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यानी इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यही मिल जाएगा अपने को। तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ठीक है। अब ए एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, ए कॉस अल्फा उसका स्क्वायर, ए वाई की जगह ए कॉस बीटा उसका स्क्वायर और ए जेड की जगह ए कॉस गामा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से ए स्क्वायर सब में है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब देखिए यहाँ से एक से, तो अगर बात करें साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, तीनों निगेटिव में आर एच एस में शिफ्ट कर दिए, ये आया, ये हो गया वन टू और थ्री, और ये वन इधर आएगा तो माइनस वन, या थ्री माइनस वन यानी
टू, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो हो जाएगा वो टू हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इसमें। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट इस वेक्टर को तोड़ सकते हैं। वेक्टर को मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन ए प्लेन इज टू, मतलब ए रेक्टेंगुलर प्लेन, प्लेन में एक प्लेन में बात करेंगे तो टू कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस या थ्री डी में बात करें इस थ्री, अगर स्पेस में बात करेंगे तो थ्री होगा, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बात करेंगे तो हम मैक्सिमम टू को तोड़ सकते हैं टू कंपोनेंट में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि कैसा लग रहा है। तब तक के लिए थैंक यू डियर्स।